JMG Music Live Coverage. बोलो रामचंद्र भगवान की। हो मंगल भवानी अमंगल हारी, हो द्रवहु सुदशीरथ अजीर बिहारी। सभी गाजो साथ में, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नर उतर ही पारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय वचनन जाय। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
मारुति नंदन हे दुख भंजन, मारुति नंदन सुमिरो पवन कुमार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही निकला परिणाम। राम से, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का सेतु के सागर को कभी लांग सके ना राम। देखो लंका में जाने के लिए भगवान ने तो पुलिया बनाबा की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान जी थोड़ा ही जरूरत पड़ी। हनुमान जी तो सीधी लगाई छलांग, क्यों? क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। भगवान का नाम की ताकत वाक में नहीं, भगवान की भक्ति की ताकत वाक में नहीं। ये वास्ते हनुमान जी ने पुलिया बनाबा की जरूरत नहीं पड़ी। लिखा विद्वान, बिन सेतु के सागर को कभी लांग सके नारा। लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को, लेकर राम का नाम। राम से, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं रहा। हर भजन संध्या में जवान जे करो बुलाओ, लेकिन पूरी रात में कई भगतियान का रेव जो एक बार भी जन बोलो और चल भी जाओ। जो विद्वानों ने लिखा है कि जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ, भले ही वो आसाराम का हुआ, भले कसाई महाराज को हो, लेकिन जो राम को नहीं हो वो कोई काम को न हुए हो। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं रहा। वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम, राम से। वो पत्थर भी तिर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम।
अब राम जी का नाम होगा बट पानी में तेरे से ही बात ना पमाना सा, क्योंकि आप हिंदू धर्म का आदमी से, कोई और धर्म का होता तो भले ही न मानता, कबीर बंदी भी ना मानता। राम जी भाटा पे वानर सेना भाटा पे राम को नाम लिख लिख पानी में छोड़ी, जी भाटा पे राम को नाम लिखो वही भाटो पानी में तिर जाए। साहब ई बात की खबर लंका में पहुंच गई, लंका में पहुंचते हैं हा को माच को लंका का मैन ओहो पत्थर ही तर गया आगे बाटा तर रहा है, पहली तीर पे तो बाटा तर रहा है रड्डी तो बड़ा बड़ा चकडोल ये मरवाओल आप। सारी नगरी का लोग रावण ने जार बोले कि मान लियो हार काई फाई तो कोने बाटा ही तरता रिया कजे काई हो कजे ताने ध्यान नहीं कोने सारा गांव में हा को माच रहे भाई उठे राम जी का नाम होगा पत्थर पानी में तर रहा है वो तो था कहो बड़ा जे ते मानो बना बात पंगो मल्लियो थे तो मरला जो मरला पर माँ कभी छोरा छोरी जे। तो महाराज रावण बोलियो रे बेटी का बाबू अच्छा कब रहे थे मारी नगरी में रे है एक बाटो तरबामी राम जी बड़ोगी होगी बाटा तो मई तरह सुन गांव का बोलेंगे छी जो भी सरकी दी गई ये पापी का हाथ को कोई बाटो तर लोगे गांव का ने खड़ा और कह दियो रावण के जाओ तड़का को सूरज उगे लो और समंदर की तीर पे चादर था ने बाटो तरार बताऊंगा। तो मारा सारा गांव का सोचा का कोई बात होने तड़को भी जाओ रात में मदोदरी बोली के पति देव छह जीने भी क्यों कटाओ जो आधी पड़ती तो भली कट गया अपने अभी ने छह जीने भी क्यों कटाओ जो देख या जिद ख्यान कर ली के बाटो अरे कि मैं खेदियो ने बाटो तरल। तो महाराज सूरज उगयो सुबह की टेम हुई रावण सारी जनता ने साथ में लेर समंदर की तीर पर चल गयो उड़े जार भाई टेम टेबल सही मिला लीजो बाटो तरलो गए महाराज मानो जी मानो सारा लोग पगा में पड़ गया लेकिन रावण तो जिद्दी छो बताया जाता है कि विद्वान रावण की बराबर कोई कोनो छो। तो रावण एक भाटा ने हाथ में लियो हाथ में लेर खड़े सुधो पानी के महीने चले मायने जा और महाराज दो मिनट तक मौन धारण कर लियो मौन धारण कर जुई पानी ने पत्थर ने पानी में छोड़ लियो रावण के हाथ को भाटो पानी में डूब गयो कि तर गयो बताओ देखा हिसाब से डूब गयो नहीं रावण का हाथ को भाटो भी पानी में तर गयो। सारी जनता जे जे कार करवे लगी के बराबर की जे पार्टी उड़वा दियो बची काई दिक्कत कोने के जे अब तो बस तन मन धन से जुट जाओ सात तारीख बड़ी जे। तो महाराज वो टेम के भाई ने सारा गांव का तो मान लिया लेकिन कोई भी आदमी की जो घराली हो छे ना कोई भी आदमी की घराली उन्हीं चीज को ध्यान रहे छे कि मारा घर का दिन में कत्ता का लखन छे। मदोदरी ने विश्वास लो मदोदरी कत्ते ही बात नहीं मानी को ना कि का हाथ को भाटो तरी खान की रात के मैंने बड़ा प्रेम से रावण के पास में गई पग दबाया बोले पति देव शान बढ़ा दी थे तो लंका की आज तो माधव ऊंचो कर दिया मां को ते लेकिन बताओ तो सही या आटी ख्यान है या तान बेठी ख्यान नहीं बताऊं को ना थारी आदत खराब तो कोई न खेदी नगे जन नखे मुझे ताई के सो लेकिन बताओ जरूर मनते ये बात तक ख्यान आई थी तो को देख मंदोदरी सुन मरी बात बाटा ने हाथ में लियो बोले लिया पानी में गयो सही दो मिनट तक मौन धारण करियो बिल्कुल सही लेकिन बी के बाद काई हुई दो मिनट मौन धारण कर भी पत्थर ने 21 बार राजा राम की कसम गलाई कुण की भगवान श्री राम की कसम गलाई भी भाटा ने कहते ना राम की सोगन जो डूब गयो तो श्री राम की तो एक कसम ही काफी है मैं तो 21 बार दी भी बता डूब तो क्या एक बार ताली बजाओ इतो बड़ो भगत हो राम को यानी रावण भी श्री राम का भक्त था सिर्फ कमी यह थी कि उसने अपने वंश को तारने के लिए रावण से पंगा ले लिया था। तब कहा है वो पत्थर भी तिर जाएंगे
जिन पे लिखा श्री राम राम से, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बालाजी महाराज की जय हो। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे नाम, राम से। देखो यो कोई छोटी मोटी बात को नहीं, सार निकालो। तुलसीदास जी महाराज सार निकले के आखिर में भगवान को नौ बड़ो क्यों हो। जब बांदरा पानी में छोड़ रहे जाने पत्थर, बीटे में राम जी तो खड़ा खड़ा देख ही रह जा खाली, क्योंकि हनुमान जी मना कर दिया, आपने एक बांटो भी उठा पाई जरूरत को ना, मैं ही संभाल लिया सर। तो महाराज बांदरा ने भट्टा पानी में छोड़ता देख राम जी की भी जचगी, कहते एक बांटो तो आप पटकर देखा डूबे से एक तरह से, लेकिन माँ के मन में शंका होगी मार डॉक्टर करा अपना हाथ अड़ो पटो जो डूब गयो ना, डूब गई फिर तो भैया या लेबर तो काम छोड़ दे ले। तुम्हारा थोड़ा गांव तरह से ले गया भगवान श्री राम, थोड़े दूर चले गए, उठे जा एक भाटा पे राम को नाम लिखो और पानी में छोड़ दियो। सजना राम के हाथ का पत्थर पानी में डूब गया। जब राम जी को मुंडो छोटो हो गयो, बोले देखो बांदरा पानी में पत्थर पटक रहा है, जरूर तर रहा है, मत छोड़ दियो, मारो तो नजर ही ना आयो रे, एक मिनट में गल गपिए गयो। भगवान उदास हो गया, पांचे बाजे बालाजी महाराज आ गया, बोले प्रभु आप उदास क्यों? बोले हनुमान अब थासी तो छानी भी गई जी, जी पत्थर ने थे राम को नाम लेकर पानी में छोड़ रहे जो वो तर तो जा रही है, और जी पत्थर ने राम को नाम लेकर मैं छोड़ियो वो डूब, बस ई बात की शंका हो रही थी। हनुमान जी महाराज बोले भगवान घटा देख माने चढ़ा लाते है, जो चीज आपका हाथ छूट गई, जी की डोर भी परमात्मा का हाथ छूट गई बिना कोई तार सके, ये पत्थर आपके हाथ से छूट चुका है, इसका मतलब ये आपसे अलग हो गया, और जो परमात्मा से अलग हो जाता है उसको दुनिया में कोई ताकत तार नहीं सकती। यो पत्थर तो डूब सी भगवान, यो तो आपका हाथ से न्यारो हो गयो, और जो भगवान की डोर भी हाथ से छूट गई तो महाराज बिना दुनिया की कोई ताकत बचा भी ना सके। ये धरती कहे कि मैं बड़ी, धरती कहे कि मैं बड़ी, फिर शेष नाग पर क्यों पड़ी, शेष नाग कहे मैं बड़ा, शिव के गले में क्यों पड़ा, शिव जी कहे कि मैं बड़ा, कैलाश ऊपर क्यों खड़ा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के हाथों क्यों पड़ा, रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की कांख में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा, तो श्री राम के हाथों क्यों मरा, श्री राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्तों के घट में क्यों पड़ा, ये भक्त कहे कि मैं बड़ा, श्री राम की शरण क्यों पड़ा। तुलसीदास विचार करे, न भक्त बड़ा न भगवान बड़ा, संसार में मेरे सजनो राम से बढ़कर राम जी का नाम बड़ा, इसलिए अंत में यही निकला परिणाम, अंत में यही निकला परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का।
भक्तोर भगवान की जय हो। जितेंद्र माले माले माले।